जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है, स्पेशली ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ आपकी एसएससी जीडी के जो फॉर्म फिलअप होने हैं 25 मार्च से, आज तारीख है 20 मार्च। मैं पहले बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, वो जो एसएससी जीडी 2018 में जिन बच्चों ने गलतियाँ की है, वो अभी भी भुगत रहे हैं, अभी भी रो रहे हैं अपनी किस्मत पर। आपको भी रोना पड़ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यूट्यूब के चक्कर में कई लोग यहाँ पर इतना झूठ बोलते हैं, उनको बवाल नहीं पता है कि वास्तविक है क्या, डॉक्यूमेंट्स की वास्तविकता क्या है। यहाँ फॉर्म भरने के समय आप डॉक्यूमेंट्स गलत लगा दोगे, बाद में आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। अभी 20 दिन है, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आपको तैयार करवा लेने हैं पहले से ही, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ वो आपको पहले से तैयार करवा लेने। अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार नहीं किए, आपने ऐसे ही भर दिया, साइबर केपी वाले के पास में जाया का भर दिया फॉर्म, और फिर जब बाद में प्रॉब्लम आई मेडिकल के समय, फिजिकल के समय और फाइनल मेट में, अब कईयों को लगता है कि मेडिकल फिजिकल के समय प्रॉब्लम नहीं होती, मैं आपको बता दूँ इस बार एसएससी जीडी में 10,000 प्लस कैंडिडेटों को रिजेक्ट कर दिया गया है, और अभी भी ज्वाइनिंग जिनकी जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया उनके भी कैंसिल ऑर्डर आ गए हैं, ठीक है। इसका प्रूफ अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं ओपन करूँगा, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2018 की वैकेंसी में अभी ज्वाइन करने वाले, तो आप वहाँ से वार्तालाप कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, आप उनसे वार्तालाप कर सकते हो, मैं ओपन करूँगा उसको कुछ समय के लिए, आप जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हो। साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको, सब्सक्राइब आप करो ना करो, बात इस बात पे ध्यान रखना, लाइक आप करो ना करो आपकी मर्ज़ी, आप डिसलाइक करो लाइक करो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके फ़ायदे की बात यह है, सो बात की बात कि उन बच्चों से आप बात कर लेना, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि वास्तविकता क्या हो रही है, ठीक है। जो लोग यूट्यूब पर बता रहे उनमें और वास्तविक ग्राउंड में क्या हो रहा है, उनके साथ रियल में क्या हो रहा, कोई बात में नहीं बोलता कि मैंने ये गलत बोला था, कोई बात में ये नहीं बोलता कि मेरी ये गलती है, कोई नहीं बोलता सामने आके, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं, उनके चक्कर में ना पड़े। जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ इस वीडियो में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने, किस डॉक्यूमेंट्स का क्या प्रॉफिट होगा मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से बताऊंगा, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए कई बच्चों ने जाति प्रमाण पत्र में गलतियाँ की थी, क्या क्या गलतियाँ की मैं आगे बताऊँगा, उनकी वजह से उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आपको। CISF का नोटिस है, ये इन बच्चों की ज्वाइनिंग होगी, इन बच्चों की पार्लियामेंट में नाम है, अब इन बच्चों को आया ऑर्डर कैंसिल ऑर्डर कि आपके जाति प्रमाण पत्र में ये मिस्टेक है, इसको सही कराइए, ठीक है। 10 दिन का समय दिया, अगर 10 दिन में नहीं करा पाएंगे तो आपको पता क्या हो जाएगा, ठीक है। मूल निवास डोमेसियल में CISF के कैंसिल ऑर्डर कि आपके डोमेसियल सर्टिफिकेट में ये मिस्टेक है, आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तब ये था और आपके वेरिफिकेशन में ये पाया गया है। तीसरा 10th क्लास की मार्कशीट, उसमें मिस्टेक, सीधे ही रिजेक्ट कर दिए, उनको तो लिया ही नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या वो मिस्टेक हैं, अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से जो मैं डॉक्यूमेंट्स बोल रहा हूँ सभी डॉक्यूमेंट्स उस प्रकार से तैयार करने, फॉर्म भरते समय आपको उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट्स लगाने। दोस्तों सबसे पहले डोमिसाइल से शुरू करता हूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट का आपको पता कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो जनरल में आता है नक्सल में आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो जिस कैटेगरी में आता है उसी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करें। अगर आपको नहीं पता कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सी कैटेगरी में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नक्सल में आता है, बॉर्डर में आता है या जनरल में आता है, उस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में दूसरा उसमें ध्यान रखना है कि आपके जो फादर मदर का नाम है वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके फादर मदर का नाम आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए विथ सरनेम। अगर सरनेम भी गलत हुआ तो भी मुश्किल बढ़ जाएगी आपकी, सरनेम भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए विदिन 1 मिनट। अगर नवीन है तो NAVIN है तो NAVIN ही होना चाहिए, EN नहीं होना चाहिए। पहले मैं बता रहा हूँ, एक एक अल्फ़ाबेट की मीनिंग की वजह से भी कैंसिल ऑर्डर भेज रहे सभी डिपार्टमेंट, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये दूसरा आपका जो एड्रेस है उसके पिन कोड और आपका एड्रेस मैच खाना चाहिए, अगर पिन कोड में भी कुछ मिस्टेक हुई तो आपको सीधा ही रिजेक्ट कर देंगे, आपका एड्रेस वेरीफाइड में नहीं पाया गया सीधा रिजेक्ट हो जाएगा, बहुत नुकसान उठा जाओगे। मैं पहले बता रहा हूँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ज्वाइनिंग लेटर उसी पर आना है, आपकी सारी की सारी जो पुलिस वेरीफिकेशन होनी उसी एड्रेस पर होनी, अगर वहाँ पर नहीं पाए गए, आपने पिन कोड लगा दिया किसी और सिटी के, एड्रेस किसी और सिटी का, पुलिस वेरीफिकेशन होगी नहीं, करो रिजेक्शन, फिर बाद में रोते रहोगे। मेरे पास में बहुत बच्चों के मैसेज आए हैं इस बार भी कि सर हम क्या करें क्या करें क्या करें, और लास्ट में जाके वो थक भी गए हैं। तो अगर आपको ऐसे नहीं थकना, इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपका पूरा का पूरा मूल निवास बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर 10th क्लास मार्कशीट। अब दूसरा बात, जाति प्रमाण पत्र, सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, उसमें
आपके माता पिता का नाम, मूल निवास और 10th क्लास की मार्कशीट से मैच खाना चाहिए। भले ही आपका माता पिता का ओरिजिनल उनके डॉक्यूमेंट्स में चाहे कोई भी नाम चले, लेकिन आपके मूल निवास, आपके जाति प्रमाण पत्र में उनका नाम आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, ना कि उनके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार। भले उनका आधार कार्ड में कुछ भी हो, भले उनके पैन कार्ड में कुछ भी हो, भले उनका वोटर आई डी कार्ड में कुछ भी हो, लेकिन अब वो बोलोगे, बच्चे बोलेंगे कि सर उनके आधार कार्ड में अलग है तो वो मूल निवास कैसे बनेगा। बिल्कुल बन जाएगा, करेक्शन होके एफिडेविट लग के वो भी बन जाएगा, जाति प्रमाण पत्र भी बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार बनेंगे। तो आपके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार बना के ही फॉर्म फिलअप करना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ज्वाइनिंग के समय। अभी नहीं, ज्वाइनिंग के समय हो जाएगा, मेडिकल के समय हो जाएगा, अभी नहीं होगा। अभी थोड़ा ना पता उनको, अभी किस लिए वेरीफाइड करेंगे वो आपको, जब आपका ज्वाइनिंग का समय आएगा ना तब वेरीफाइड करेंगे कि अब इनको हम वेरीफाइड करते हैं। और फिर बाद में आप चाहे कितने भी हाथ जोड़ लेना, पैर जोड़ लेना, आपको कुछ नहीं होगा, सीधा रिजेक्शन आएगा घर पे, फिर आंसू बहाते रहना। ये मैं 100% बोल रहा हूँ। तो जाति प्रमाण पत्र है उसको सही कर लें, बिल्कुल करेक्ट। आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार जाति आपकी OBC जिस कैटेगरी में आती है उस कैटेगरी के अनुसार, और सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये बात का विशेष ध्यान रखें, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। हो सके तो अभी नया अगर बना पाओ तो नया ही बनाना, क्योंकि नई वैकेंसी है, आगे आपको टाइम लगेगा। तो वो वेरीफाइड आपके जो फिजिकल देने जाओगे तब भी चल जाएगा, और मेडिकल देने जाओगे तब भी वो चल जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन जब फिजिकल देने जाओगे तब होगा, तब आपका काम हो जाएगा उसी से। तो इसलिए नया बना पाओगे तो नया बना लेना। इसके बाद में 10th क्लास की मार्कशीट, आपकी 10th क्लास की मार्कशीट जो आप बोर्ड है, जो आपके पास में ओरिजिनल कॉपी है, उस ओरिजिनल कॉपी में आपके चाहे कितने भी परसेंटेज हो, पहली बात तो ये कहीं मैटर नहीं करता। कुछ बच्चे बार बार बोल रहे हैं कि सर अगर हमारे परसेंटेज कम या ज़्यादा हुए तो उसका कोई परसेंटेज कहीं मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, अब मैं बोल रहा हूँ ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। जिन बच्चों के पास में नहीं है, वो जिस बोर्ड से वो कर रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, उस बोर्ड से जाके अपनी ओरिजिनल मार्कशीट लाएँ। उसके जो रोल नंबर आप जब अप्लाई करते हो, पॉइंट की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं डॉट भी लग गया ना, तो वो डॉट उस पे नहीं, आपकी ज्वाइनिंग पे लग गया क्रॉस के रूप में, ध्यान रखना। साइबर कैफे वाले के पास में फॉर्म फिलअप करके फाइनली अपडेट करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फॉर्म को चेक करें, उसमें 10th क्लास की मार्कशीट की पूरी डिटेल एज इट इज़ होनी चाहिए, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वेरीफाइड होता है वो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट होती है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना। अब इसके बाद में आपकी जितनी भी आईडी कार्ड है, उसमें भी नाम अपने 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार, जैसे आधार कार्ड में आप चेंज करा सकते हो, पहले बता रहा हूँ, अपने आधार कार्ड में अपना नाम 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार करा लीजिए। अगर आप SSC GD की वैकेंसी देखना चाहते हो बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग ही करा लेना, ठीक है। उसका सरनेम तक, मीनिंग वर्ड भी, एक एक स्पेलिंग भी आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। तो यानी ये डॉक्यूमेंट जो आपके आपके माता पिता के नाम से जो मूल निवास मत है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलते हैं, वो सभी। अब एक क्वेश्चन और रहता है NCC को लेकर, क्या सर इसमें NCC का फ़ायदा मिलता है, क्या इसके फॉर्म फिलअप करने में फ़ायदा मिलता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या फ़ायदा मिलता है NCC का, या ज्वाइनिंग करने के बाद में क्या फ़ायदा मिलता है NCC का इन फोर्सेस में। दोस्तों SSC GD का जो स्ट्रक्चर है, अभी आपको स्पेशली NCC के कोई भी नंबर नहीं दिए जाते हैं इसमें, आर्मी की तरह ऐसा कुछ नहीं है इसमें। आप NCC का भले कोई भी सर्टिफिकेट हो आपके पास में, ABCD, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपकी की वो ये NCC अच्छी बात है, तो उसका ना तो आपको अभी फ़ायदा दे रही है SSC GD फॉर्म फिलअप करते समय, या मेरिट में NCC का कोई फ़ायदा हो रहा, कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना ही आपको फ़ायदा मिलेगा ट्रेनिंग में, ना ही आपको आगे डिपार्टमेंट में NCC का कोई फ़ायदा होने वाला है। अगर हाँ कोई बच्चा स्पोर्ट्स है तो उसको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, वो ज़रूर स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स अपने रखें, क्योंकि आगे जाके कि डिपार्टमेंटली में जाने के बाद में, डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के बाद में भी वो स्पोर्ट्स में जा सकता है, अगर उसके पास में अच्छे डॉक्यूमेंट्स है तो। JD से ज्वाइन करने के बाद में भी वो स्पोर्ट्स में जा सकता है दोस्तों, ठीक है, तो वो ज़रूर फ़ायदा ले सकता है। लेकिन बाकी NCC का विशेष रूप से आपको अगर कोई बता रहा है SSC GD के लिए कि NCC का फ़ायदा होता है, NCC के नंबर मिलते हैं, अभी प्रेजेंट टाइम में SSC GD में ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको NCC का एक भी नंबर नहीं दिया जा रहा है, कोई नंबर नहीं है, ना ही आगे जाके इसका कोई फ़ायदा होना है, ठीक है। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, NCC का फ़ायदा आपको आर्मी में होता है, और स्टेट पुलिस में भी कई स्टेट पुलिस देती है, लेकिन SSC GD में NCC का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए दोस्तों, इन बात का विशेष ध्यान रखना, एक सिग्नेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब फॉर्म सबमिट करो अभी जो सिग्नेचर करो ना, अपनी नोटबुक में कर लेना, वो सिग्नेचर ही मेडिकल के टाइम करना, वो सिग्नेचर ही एग्जाम के टाइम करना, वो सिग्नेचर ही आपका फिजिकल के टाइम करना। क्यों, उसका भी रीज़न बताता हूँ। बाई चांस अगर आपके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए तो उस समय फिर आपके सिग्नेचर मैच होंगे, और जिनके सिग्नेचर मैच हो जाएंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनके नहीं होंगे उनकी प्रॉब्लम कैसी होगी वो 2018 बेस से पूछ लेना आप। मैं टेलीग्राम ग्रुप भी ओपन कर दूंगा, वैसे अगर पर्सनली कोई बच्चा ज्वाइन हुआ तो उससे पूछ लीजिए किस प्रकार से सिग्नेचर मैचिंग चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, और उनसे 10-10 पेज के 70 पेज भराए गए हैं,
उनकी मैचिंग आपके जो फार्म भरे थे उस सिग्नेचर से मैचिंग कराई जाएगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। जय हिंद।